हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? गाइस बहुत अच्छे हो गए गाइस। तो गाइस आज हो तो रखी है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आज तो बाहर निकलने का मन नहीं, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, व्लॉग करने का। मैं सोच रहा कि आज वैसे ही राइड करता हूँ, कुछ ना कुछ बाहर का देखते हैं, पर बाहर बहुत धूप हो रखी है। तो गाइस मैं आज दिखाने वाला हूँ अपना हेलमेट। तो हेलमेट कैसा है कैसा नहीं है आपको पूरी डिटेल में, तो इसमें अपना हेलमेट पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है, किस प्राइस का है, किस ब्रांड का है, क्या क्या मैंने हेलमेट में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा रखी नहीं लगा रखी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो गाइस स्किप मत करना पूरी वीडियो। ये रहा अपना हेलमेट, तो ये अपना चिन माउंट, जैसे कि ये रहा चिन माउंट, ये नीचे से ये इसकी क्लिप दी हुई है, तो इसमें क्लिप वगैरह में ये फंस जाता पूरा, तो ये ना चिन माउंट हिलता भी नहीं पूरा देखो। और ये पूरा ग्लास ही पूरा ऐसे हो जाता है पूरा, ये हो गया बंद। ये इसका एयर का, इसमें एयर वगैरह जानी हो तो एयर आराम से जा सकती है इसमें, इसमें एयर वगैरह। ये हो गया ओपन हो गया, इधर नीचे क्लोज हो गया, आगे क्लोज है और पीछे साइड पीछे ओपन है, बैक में ओपन है। तो गाइस ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाया था ये, क्योंकि इसमें जो ये ऊपर ग्रिप लगाई थी नहीं है, तो मैं पैर तो नहीं आ रहा, तो ये ग्रिप लगाई थी मैंने। तो गाइस ये क्या थोड़ा सा जो जिस फेव किक्स वगैरह जिससे लगाई थी गम से, तो उस बंदे का हाथ पे लग गए थे, तो हाथ पे इधर चिपक गया था, तो पूरा ख़राब कर दिया उसने, तो इस चक्कर में मैंने ये लगवाना पड़ गया। तो बाकी इसकी मैं मैटिंग वगैरह और दिखा देता हूँ आपको। इसकी मैटिंग देखो, तो भाई ये इसकी मैटिंग है देखो, ये दे इसमें फ़ोन वगैरह आराम से आसानी से, जो माइक होता है ना, जो अपना जो जो भाई अपने ईयरफोन से व्लॉगिंग करते हैं जो ईयरफोन लगाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ईयरफोन है इसके अंदर छुप जाती है आराम से, और इसको पूरा ये क्लोज हो जाता पूरा, ये कि पूरा चिपक जाता है इसे, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये पूरा ना एकदम मैटिंग बड़ी इसकी प्यारी है। तो वैसे पहन के भी आपको दिखाऊँ कैसे कंफर्टेबल होता है नहीं होता। तो इसकी ISI मार्क देखो, ये ISI मार्क का हेलमेट है, इसका ISI मार्क है, और यह है वेगा हेलमेट। तो गाइस ये अराउंड पड़ता है 3000 का पड़ता है, तो ये इसका 700 का ये और 300 का ये और 3000 का ये हेलमेट, तो अराउंड पड़ता है 4000 का हेलमेट पूरा पड़ता है 4000 हेलमेट। तो इसकी क्लिप वगैरह पूरा सेट हो जाती है, हमसे इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये पूरा क्लिप रहा इसकी, और इसका खास बात ये हो रहा है इसकी, ये देखो जो वैसे नॉर्मल हेलमेट आते हैं ना उनके, ये पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसमें ख़राब होने का चांस ही नहीं इसमें। तो और गाइस मैं पहन के और दिखाता हूँ इसमें हेलमेट को, देखो बस पहनने के बाद ना ये इसके नीचे क्लिप है ना इसकी, इसमें पूरा ऐसे फंस जाती है, ये पूरा हेलमेट बन चुका है। देखो साइड से कुछ ऐसा लुक देता है ये, और बैक से कुछ ऐसा लुक देता है, पता नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पर सेफ्टी से मतलब था तो बस हेलमेट सेफ होना चाहिए, बस अच्छा लगने में नहीं लगने में नहीं। पर इसका लुक देखो भाई, इसी देखो पीछे का कितने शानदार लग रहा है देखो पूरा, और आगे इसमें क्या पूरा फोन फिट हो जाता है, इसमें फ़ोन कैसे किया इस फ़ोन का, इसमें फ़ोन को इसमें सेट किया और पूरा जैसे अपने हिसाब से इसको टाइट कर दिया, और इसको ऐसे लगाना होता है, ये फ़ोन को ऐसे लगा सकते इसको, और फिर इसको वही फ़ोन को इसके अंदर लगाया और इसको पूरा टाइट हो गया, तो फ़ोन का ही नहीं लगा इधर से, वो पूरा भी अपने ग्लास को यदि क्लोज भी करेंगे ना, तो क्लोज़ करने के बाद ना तो इसमें फ़ोन का कोई इशू नहीं होता, ये पूरा आसानी से क्लोज होता है, पूरा पूरा पैक हो जाएगा एक मिनट, और इसको आराम से पूरा अपना ओपन कर सकते हैं इसको। यदि आप इसको हटाना चाहें तो इसके नीचे क्लिप दी हुई है, तो इसको पूरा हटा के इसका ये वॉशेबल हेलमेट भी है, इसको अपना वॉश भी कर सकते हैं, इसकी जो अंदर की मैटिंग है ना पूरी मैटिंग इसकी हट जाती है, इसकी पूरी मैटिंग जो भी है पूरी पूरी मैटिंग बाहर आ जाएगी, और इसको अपन वॉश करके फिर वापस इसके अंदर फिट कर सकते हैं आराम से। तो भाई जी देखो हेलमेट, हाँ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे, देखो एयर के लिए इसमें ये नीचे इधर भी दिए हुए, देखो ये एयर के लिए दे रखे पूरे, देखो ये तो इसमें इस हेलमेट में ना गर्मी का कोई सवाल नहीं, पसीने का कोई सवाल नहीं है, पसीने आते नहीं इस हेलमेट में। और देखो इसका जो अपना चिन होती है ना, चिन अपनी यहाँ टच नहीं होती आराम से, अब कई लोग सोचते हैं चिन टच हो जाएगी ऐसा है, बोलने में इशू आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आराम से चिन अपनी यहाँ पे आती है, और जो भी एक्स्ट्रा बाइक लगाना हो आराम से इसके अंदर, सबसे खास बात ये हो रहा है देखो, चिन अपने जो माइक होता है जो वायरलेस माइक होता है इसको फिट करके इसमें, तो आराम से बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है। ये देखो इसमें नेट लगी हुई है, ये नेट तो एक्स्ट्रा में इसको एयर वगैरह अंदर नहीं जा सके, तो इसलिए नेट लगा रखी है, पर नेट तो पूरा हटानी पड़ेगी, यदि मैं इसको अच्छे से टाइट करूँगा तो हटानी पड़ेगी नेट पर कोई, तो वैसे ठीक है हेलमेट है ये पूरा देखो क्लिप ने इसकी, यदि इसको हटा दूंगा ना, ये देखो ये खुल गया पूरा, देखो ये आ गया ना, ये देखो मिल गया बाहर, तो इसको सेम ऐसा ही है, और इसको अपने ऐसे दोबारा यदि इसको टाइट करना तो सेम ऐसे कैसे टाइट कर, देखो ये पूरा ओपन है, देखो पूरा हट गया, देखो ये देखो
ये देखो ये पूरा हट जाता है और इसको भी वापस लग जाएगी। यदि वॉश करके इसको यदि धूल मिट्टी में हो जाता है वॉश करके आराम से इसको हट जाता है हमने। अब देखो हेलमेट को देखो, अभी इसको तो मैं हटा के दिखा नहीं सकता क्योंकि ये पूरा क्लोज हो चुका है, ये पूरा पैक है, पूरा हट नहीं सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलेगा और अपने भाई को भाई सपोर्ट करते रहो थोड़ा बहुत यार, सब्सक्राइब वीडियो देखने में सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और आपको ऐसे नई नई मैं ब्लॉग नए नए बनाता रहूँगा तो आपको सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो गाइस अपने भाई को प्यार एंड सपोर्ट जरूर दी।